हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना, मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पढ़ी थी, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी नॉर्मल और टेंजेंट के मैंने आपके सामने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुका हूं। आज में एक और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ थ्योरी का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 11 में। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। पहला, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बिंदु वन कॉमा रूट 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलंब तथा एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो हमें जो सर्कल दिया है, सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है और सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 2 है और पॉइंट पी क्या दिया है 1 कॉमा रूट 3। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो, आप इस पॉइंट को इस सर्कल में रख के देखें इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। 4 इक्वल टू 4 मतलब सर्कल पर है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है आपको कि स्पर्श रेखा, अभिलंब एवं एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा ही अच्छा सर्कल बना है भाई अपना, ठीक है ना? चलो तारीफ कर ही दो सब लोग। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, क्लियर भाई? एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। यहां पर ये ध्यान रखना है ये जो एरिया है धनात्मक एक्स अक्ष दिया है आपको, यहां पर धनात्मक एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप देखें कि सबसे पहले तो ये बिंदु जो 1 कॉमा रूट 3, 1 कॉमा रूट 3 आपका वही कहाँ पाया जाएगा? यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0.2 और ये पॉइंट आपका होगा 2.0, ठीक है ना भाई? अब सबसे पहले ये बिंदु मैंने यहाँ पर ऐसे इस टाइप से मार्क कर दिया P बिंदु। कोऑर्डिनेट्स थोड़ा दूर को लिखेंगे क्योंकि हमें स्पर्श रेखा भी खींचनी है। तो इस टाइप से मैंने, अरे भाई ये गड़बड़ हो गया। चलो तुम मान लो ये स्पर्श रेखा है, अब क्यों दोबारा अपन खींचें? ये स्पर्श रेखा है, ठीक है भाई? और अविलंब थोड़ा सा पेन चेंज करें। अविलंब जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, सभी स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए ये बात। तो अभिलंब क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा इस टाइप से, ये
अभिलंब ये 90 डिग्री बन जाएगा, क्लियर ये पॉइंट। अब आपका जो ट्राइंगल बन रहा है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ओ पी और इसको मैंने ले लिया क्यू, समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है और ये लंब और आधार या आधार और लंब जो भी कहना चाहें आप। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें ये बिंदु निकालना है, क्या निकालना है ये बिंदु पॉइंट पी और बाकी पॉइंट है ही, हम 1/2 आधार गुणे तो ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा एक्स वन की जगह 1 रख देंगे और वाई वन की जगह √3 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन। अब हमें क्यू पॉइंट अगर निकालना है तो क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा इसका, भाई वाई बराबर 0 रख दो, वाई बराबर 0 रखते ही ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 4,0, मतलब ये पॉइंट आ गया 4,0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो निकालना इतना आवश्यक नहीं है, हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है नॉर्मल की इक्वेशन की, क्योंकि रीजन रीजन ये कि हमारे पास लंब और आधार निकालना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम क्षेत्रफल, तो ये क्या होगी, ये तो आपकी रेडियस होगी, तो ये ओपी तो आपका क्या हो गया 2 हो गया, ये दूरी आप निकाल दो सीधा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, मतलब यहाँ पर अगर हम पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें, पी क्यू की लंबाई क्या आ जाएगी आपके पास सीधे से शब्दों में 4 × 1 = 9 आ जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा, मतलब ये 12, मतलब ये आ जाएगा 2√3, तो ये लंबाई भी आ गई हमारे पास 2√3। स्टूडेंट क्या गड़बड़ करता है, लंब का भी समीकरण निकालता है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में। तो त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई तो क्या आ जाएगा 1/2 आधार आ जाएगा अपना कुछ भी ले लो 2 × 2√3, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2√3² तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो रहा है, और इस ध्यान रखना है बस कि हमें राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं मतलब अभिलंब के समीकरण की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अभिलंब का समीकरण नहीं निकालेंगे। चलिए भाई टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेंजेंट खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये अच्छा क्वेश्चन है और एक मिनट ये थोड़ा सा अपन ऐसा कर लें जिससे ढक रहा है ये। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट बोला है, फ्रॉम द पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि किसी बिंदु से और किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक तो होता है कि भाई हम जैसे कोई एक सर्कल है, ये सर्कल है और हम किसी बिंदु P से
इस वृत्त पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक तो ये होता है, और एक होता है कि बिंदु पी पर, तो फ्रॉम द पॉइंट एंड एट द पॉइंट। तो इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, स्टूडेंट को याद रखना है इन चीजों को, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 पर 1.4 से खींची गई गई स्पर्श रेखा का समय। खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम, कि ये पॉइंट जो है आपके पास, ये पॉइंट दे दिया 1.4, क्लियर। और ये सर्कल है जिसका सेंटर 0.0 है, और रेडियस आपकी कितनी है? 4, रेडियस 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि हम स्पर्श रेखा का समीकरण ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिया वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण, वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण जब हम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? y इक्वल टू mx प्लस माइनस a, a आता है यहां, लिखे देता हूं मैं एक बार, 1 प्लस m स्क्वायर। तो y इक्वल टू mx, तो ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, कि ये जो स्पर्श रेखा है इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब ये कहां से होकर गुजरेगी? 1.4 से। तो बिंदु यहां पर आप लिखेंगे इस टाइप से, बिंदु 1.4 से गुजरती है, रखें इधर, इधर आपने 4 रख दिया और यहां पर क्या रख दिया? 1, और प्लस में क्या आ गया? प्लस माइनस 4√1 + m² क्लियर। अब इस m को इस तरफ लाएं तो 4 - m और स्क्वायर और कर दें एक साथ तो ठीक रहेगा, और यहां 16 आ जाएगा और 1 + m² आ जाएगा। कितना आएगा? 16 + m² माइनस का 8m और इक्वल टू 16 + 16m² तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपका? 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, और यहां से आपके पास आ जाएगा 15m² और प्लस का 8m इक्वल टू 0। तो यहां से आप m कॉमन ले लें तो एक वैल्यू तो m बराबर 0 आ जाएगी, और एक वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू माइनस का 8/15। बस ये वैल्यू ले जाके आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और अगर यहीं पर अगर आपको एंगल निकालना है तो ये m1 की वैल्यू हो जाएगी और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट इस दोनों tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का यूज करके आप सीधा इनके बिटवीन, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी भी पॉइंट से, तो इस टाइप से एक स्पर्श रेखा और भी बना सकते हैं, और इनके जो मध्य एंगल होता है थीटा हम वैसे ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी इसका करा चुका हूं, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है आपको।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल इज 2α, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। किसी बिंदु पी से से ब्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण टू अल्फा है तो पी का बिंदु पथ ज्ञात है। पी का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन में वृत्त को देखो आप। वृत्त ये दिया गया है आपको, पूरा इतना बड़ा सारा वृत्त है। तो भाई यहां पर कॉस भी है और साइन भी है, ठीक है ना। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में दिया है, हम इसको साइन के ही फॉर्म में चेंज कर लेते हैं एक बार। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे और हम जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको मैंने लिख दिया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्लियर। और वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आप देखें इधर से कि इसमें से 9 कॉस स्क्वायर अल्फा अलग कर लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आपके पास प्लस का जो 9 था, प्लस का 9 वो आपने यहां पर कंसीडर कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 मैंने यहां पर ले लिया। ध्यान से देखेंगे कि इस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 9, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 9 यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा हमारे पास था, माइनस का 6y हमारे पास था, लेकिन प्लस का 9 नहीं था तो 9 हमने यहाँ से ले लिया। अब आप 2 का स्क्वायर 4 मैंने ऐड किया है, इसमें 4 ऐड किया है तो निश्चित बात है आप 4 को 4 इस साइड भी ऐड करेंगे। और यहां से जो 9 कॉस स्क्वायर अल्फा तो आपने साइन के साथ ले लिए थे, 9 तो आपने ले लिए थे यहां पर इसके साथ, तो अब ये कितने बचे, 4 और बचे हैं। तो 4 को इस तरफ ले गए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा इस टाइप से। तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर और इक्वल टू, 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 2 साइन अल्फा। और सेंटर कितना है भाई, लिख दें आप यहाँ पर माइनस का 2, 3 आपका सेंटर है और रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 साइन अल्फा। अब थोड़ा सा चित्र डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट,
यहां पर कोई पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एच कॉमा के, जिसका हमें बिंदु पथ निकालना है। अब इससे इस वृत्त पर आराम से खींचना है, ये इस टाइप से एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा, ये यहां पर कहीं वृत्त का सेंटर है भाई। सेंटर कितना निकाल लिया आपने, सी माइनस का 2,3। क्लियर। अब पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट करें इसको। यहां पर इससे इसको मिलाया, अरे यार ये मिला दिया, ये पॉइंट हो गया, और इससे इसको मिला दिया, इस टाइप से, और इससे इसको मिला, ऐसे। क्लियर। ये ए है, ये बिंदु बी है, ये एंगल पूरा 2α है, ये पूरा एंगल कितना है 2α है, ठीक है। तो आधा कितना रह जाएगा, ये अल्फा और ये भी अल्फा, और ये रेडियस है, रेडियस कितनी निकाल ली आपने, 2sin α निकाल ली। बस अब आपको बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं है क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की। आपको सीधा ये 90 डिग्री होगा आपका, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखें। एक मिनट, भाई ध्यान से सुन लेंगे सभी स्टूडेंट, बिल्कुल कंसंट्रेट होके करना है क्वेश्चन को। हाल मतलब सबसे पहले आप सीपी निकालें, सबसे पहले क्या निकालें, सीपी निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सीपी बराबर क्या आएगा, x2 - x1 का स्क्वायर। सो सीधा सा आपका सुंदर सा क्या आ जाएगा, h+2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका k-3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या भाई, सीपी आ गया। अब पेन यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ए सी में, पी ए सी में बनाया मैंने भाई, सीपी अपॉन क्या बनाया, ए सी। बताइए क्या बनेगा, देखें ये 90 है, इसके सामने सीपी, ये तो कर्ण हो जाएगा आपका, और इसके सामने ये आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब हमने ओवरऑल क्या बनाया, कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब क्या होता है आपका, कोसेक अल्फा होता है, कितना होता है कोसेक अल्फा। तो सुनिए ध्यान से यहां पर, मतलब सीपी, सीपी तो आपने निकाल लिया है, सीपी क्या आ गया आपके पास, पहले से ही मौजूद है वही सीपी, h+2 का स्क्वायर और k-3 का स्क्वायर, भाई ये आ गया आपके पास 2sin α, और कोसेक को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin α। तो भाई ये साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 का 2 का मल्टीप्लाई सीधा किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, और स्क्वायर और कर दो, जिससे स्क्वायर और कर देते हैं साथ में, तो रूट और हट जाएगा, तो ये आ जाएगा h² + 4h + 4, और यहां पर आ जाएगा k² - 6k + 9, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बिंदु पथ क्या आ गया, h की जगह x और k की जगह y रखकर हम सीधा बिंदु पथ निकाल देंगे, तो बिंदु पथ आ गया आपका, ये आपका फाइनली क्या है, आंसर है।
ये आपका बिंदु पथ आ गया, ये आंसर है आपका। सभी स्टूडेंट के क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अपन। फिर क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सभी स्टूडेंट ये इस बात का ध्यान रखें, केवल अकेले कंसेप्ट पढ़ने से ही नहीं होंगे। अब हमने पढ़ा था स्पर्श रेखा की लंबाई, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, मतलब बिंदु, छोटा सा क्वेश्चन है, बिंदु 3, -4 से वृत्त 2x² + 2y² - 7x - 9y और -13 = 0 पर खींची गई गई स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा अपन फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, अब वृत्त को देखें, x² का गुणांक 2 है और y² का गुणांक भी 2 है, दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले जब हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे तो इनके गुणांक 1 बनाएंगे। सबसे पहले सबसे पहला काम क्या होता है, x² व y² का गुणांक 1 बनाते हैं। ये सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन को करने से पहले। तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, x² + y² माइनस का 7/2x - 9/2y - 13 = 0। अब हम सीधा स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, कैसे निकालते हैं बता चुका हूं मैं आपको। स्पर्श रेखा की लंबाई होती है √S1, मतलब ये सर्कल आपका क्या है, S है, और S1 मतलब इस बिंदु को x की जगह 3 और y की जगह क्या रखना है, 4 रखना है केवल। सो रखें ध्यान से, x की जगह 3 रखा तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -4 का वर्ग 16, और यहाँ 3 रखेंगे तो -21/2, यहाँ पर -4 रखेंगे तो 36/2 और माइनस का क्या आ जाएगा 30। एलसीएम लेके सॉल्व कर दें क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे 25, 25 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 12, तो 12 चलो लिखे देते हैं एक बार और 12, और इसमें से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आ जाएगा 15/2 LCM ले लें, 15, 12, 24, 24 और 15 कितना आ जाएगा 39 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आएगा, इसमें आंसर गलत दे रखा है क्वेश्चन में, और सॉरी एक काम हम गलती कर गए, यहाँ पर भी अपॉन 2 आएगा तो ये भी अपॉन 2 आएगा। अब गड़बड़ हो गई थोड़ी सी यार क्वेश्चन में, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 25 आ जाएगा, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 21 और 13 कितना होता है, 21 और 13 हो जाता है आपका 34,
36 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 2/2, 2/2 कैंसिल आउट 1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा √26। कितना आएगा? √26। यहां मैं ध्यान भूल गया था, मैंने 13 को 2 से डिवाइड नहीं किया था, तो आप ऐसी गलती मत करना। चलें भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बिंदु 4,3 से खींची गई गई सॉरी बिंदु 4,3 से वृत्त पर, यहां पर हम वृत्त पर और लिखें, वृत्त अरे भाई पेन आ जा, आ गया भाई पेन। 4,3 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 पर खींची गई गई स्पर्श रेखाओं खींची गई स्पर्श रेखाओं एवं उनके स्पर्श बिंदुओं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनता है। निर्मित होता है। चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और यहां पर कहीं एक बिंदु है पी। इस बिंदु से इस वृत्त पर गलत हो गया, ये पेन बहुत लेट आता है। चलो आ गया, पी बिंदु से, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये एक स्पर्श रेखा है, और ये दूसरी स्पर्श रेखा। भाई तो आप लोग सही बनाए, और ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है 0,0। इससे इसको मिला दिया, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है पी, इससे इसको मिला दिया और
भाई इससे इसको मिला दो और यहां पर ऐसे इसको मिला। अब हमें जो त्रिभुज बन रहा है वो पी ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? पी ए बी का। पी ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया सी और इस पॉइंट को मान लिया ओ, तो एक बटा दो आधार गुणित ऊंचाई, मतलब एक तो ए बी होना चाहिए ठीक है और एक पी सी होना चाहिए। एक बटा दो आधार गुणित ऊंचाई से हमारे पास क्या होना, और यहां पर अगर हम बात करें कि ये रेडियस कितनी है वृत्त की, तीन है ठीक है, और यहीं पर हम पी पी पॉइंट हमें दिया है 4.3 से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, पी ए। तो पी ए बराबर अगर हम सीधा डायरेक्ट या ज्ञात कर लें अगर, तो एक्स की जगह यहां पर 4 रख लें, स्पर्श रेखा की लंबाई, सॉरी यहां पर एक्स गायब हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई तो 3, 4 का वर्ग कितना आएगा 16, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और माइनस का 9, तो ये आ जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखें आप ध्यान से, हमारे पास ये 3 है लेकिन हमें जरूरत किसकी है भाई, हमें जरूरत है एसी, हमें एसी चाहिए। तो आप देखें कि जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये एंगल तो उभयनिष्ठ है, चाहे वो त्रिभुज पी ए ओ हो या त्रिभुज पी ए सी हो। तो बस अब हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज करके हम पहले एंगल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एंगल। एंगल निकालने के बाद अगेन हम इसी में ही यूज करेंगे फार्मूला, तो एंगल हमारे पास होगा तो हमारे पास ए सी आ जाएगा, और ए सी का जब हम दोगुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ए बी आते ही हमारे पास आधार आ गया ठीक है ना, आधार आ जाएगा। आधार आते ही हम समकोण त्रिभुज का यूज करके हम पी सी निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा हो गया ए सी हो गया तो हमारे पास पी सी भी आ जाएगा, या हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेंगे भाई, जैसा भी होगा उस ढंग से ठीक है ना, क्योंकि ये 90 होगा यहाँ पर और यहाँ पर ये 90 होगा ठीक है। चलते हैं भाई, देखें इधर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है आपको, बिंदु पी दिया गया है और वृत्त भी दिया गया है भाई आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ज्यादा चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम समकोण त्रिभुज पी ए ओ में, पी ए ओ में देखें आप, तो ये ओ पी, देखें हमारे पास दो डाटा हैं इसके, एक तो ये है और एक ये है, अल्फा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटा आधार बनाते हैं, सीधा सा कंसेप्ट, ओ ए अपॉन पी ए, लंब बटा आधार, तो ये बन जाएगा टेन अल्फा, ओ सॉरी ये आ जाएगा अपने पास टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 3/4, 3/4 आ गया। तो अब सीधा सा हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाए देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे, तो लंब बटा आधार ये 3 है ये 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 5, मतलब हमारे पास ओपी कितना है, 5 है, ओपी कितना है, 5। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें एसी है, निकालना क्या है आपको, एसी निकालना है। तो अब अगेन समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी ए सी में, पी ए सी में समकोण त्रिभुज, तो ये आपका, अब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो हमारे पास कर्ण है, कर्ण है और लंब है, तो
लम्ब हमें ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा एसी अपॉन में पीए, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा। और यहां से अगर आप साइन अल्फा की वैल्यू देखें तो साइन अल्फा आपको सीधा सीधा दिख रहा है 3/5, कितना दिख रहा है, लंब बटा कर्ण, तो 3/5। तो एसी तो हमें ज्ञात ही करना था, ये हमें 4 है और ये कितना आ गया 3/5, मतलब ओवरऑल हमारे पास एसी आ गया 12/5। भाई एसी 12/5 आ गया तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 6/2 24/5 बराबर क्या होगा 2AC। अब सीधा सा अब हम पीसी भी ज्ञात कर लें यहीं से, तो अगर आप जब पीसी ज्ञात करेंगे तो पीसी अपॉन में बनाया पीए, तो अब क्या बनेगा भाई, देखें इधर ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार, तो आधार बटा कर्ण बना, आधार बटा कर्ण क्या होगा भाई आपके पास कॉस अल्फा होगा, और यहां से अगर आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 4/5 आएगा, तो ओवरऑल आपके पास पीसी अपॉन में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5, तो पीसी इक्वल टू कितना आ गया भाई अपने पास 16/5। लो ये आ गया। अब हम त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, 1/2 आधार, आधार कितना है एबी और ऊंचाई कितनी है पीसी, और दोनों ही डाटा हमारे पास मौजूद हैं, तो एबी का मान कितना है हमारा 24/5 और पीसी का मान कितना है 16/5, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 12। इनका मल्टीप्लाई किया तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 12 का, तो ये आ जाएगा 192/25, यही आपका फाइनली क्या होगा आंसर। सो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करें स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ, अब हम कुछ पहले अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लें, क्योंकि थ्योरी भी जरूरी है, नहीं तो टॉपिक खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत मोस्ट है, याद रखें, स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, स्पर्श जीवा क्या होती है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा स्पर्श जीवा कहलाती है। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, सभी स्टूडेंट नोट कर लें ध्यान से, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा स्पर्श जीवा कहलाती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है, ये याद रखें। चलिए अब हम थोड़ा चित्र बना के आपको बताते हैं कि भाई होता क्या है आपकी स्पर्श जीवा, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये बिंदु P है, इस बिंदु P से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श, एक ये है और एक ये है, ये स्पर्श बिंदु है दो, एक ये है और एक ये, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है,
अब यहां पर मैं चेंज कर देता हूं पेन, क्योंकि अब इन स्पर्श बिंदुओं को, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी स्पर्श जीवा। ये होती है आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा, बट अब खुशी की बात क्या है कि स्पर्श जीवा का जो समीकरण होता है वो ही स्पर्श रेखा का होता है। मतलब स्पर्श रेखा और स्पर्श जीवा की इक्वेशन सेम होती है आपकी। जैसे ये पॉइंट है आपका x1, y1, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब देखें इधर, आप ध्यान से, मान लिया, माना P x1, y1 ये पॉइंट है, और वृत्त है आपके पास x2 + y2 = a2, ये वृत्त है। तो स्पर्श जीवा का समीकरण, स्पर्श जीवा का समीकरण होता है आपका T = 0। ये बहुत, ये आपका परवलय में भी आएगा, ये आपका इलिप्स में भी आएगा, और ये आपका हाइपरबोला में भी आएगा। ये कॉमन पार्ट है T = 0। टी क्या है भाई? टी है आपका x x1 + y y1 = a² = a² ये आपका होता है क्या? P होता है। क्लियर? तो जो स्पर्श जीवा, मतलब जो स्पर्श रेखा की इक्वेशन होती है वो ही आपकी स्पर्श जीवा की इक्वेशन होती है। तो ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई और क्वेश्चंस की तरफ। यहीं पर अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। बहुत मोस्ट पॉइंट हैं ये आपके, और इनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस। तो नोट में सभी स्टूडेंट लिखते जाएंगे, नोट डाल रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला नोट क्या है? स्पर्श जीवा की लंबाई AB, स्पर्श जीवा की लंबाई याद करना। अभी हमने एक क्वेश्चन किया जस्ट इससे पहले, एंगल वाला क्वेश्चन, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने उसमें स्पर्श जीवा की लंबाई याद करी थी, लेकिन वो बहुत बड़ा मेथड था उसमें। यहां पर जैसे हमने वृत्त का केंद्र ले लिया और ये इसको इससे मिला दिया, ये तो है PA स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये है वृत्त की त्रिज्या R, ठीक है ना। वृत्त की क्या है? त्रिज्या R है। तो अब ये फार्मूले में जो आपको लिखा रहा हूं, इससे डायरेक्ट आप स्पर्श जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखें स्पर्श जीवा की लंबाई, स्पर्श जीवा की लंबाई AB बराबर, यहां पर हम पेन चेंज कर देते हैं, क्या होती है? 2LR अपॉन √R² + L² 2LR अपॉन √R² + L² ये लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है। सो इनको आपको याद रखना है भाई, ये फार्मूले बहुत मोस्ट हैं, इनसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब आता है त्रिभुज
पीएबी का क्षेत्रफल। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो अपन ने कितना लेंदी मेथड था, कितना बड़ा मेथड था, त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, आर एल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जस्ट अभी इससे पहले एक क्वेश्चन किया था ये वाला, मैं आपको बताऊं, यहां पर बैक चलते हैं अपन थोड़ा सा। यहां पर इस क्वेश्चन में पीएबी का क्षेत्रफल निकाला था ना। अब पीएबी का अगर अपन को क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकालना हो तो ध्यान से सुने, जैसे जो फार्मूला मैं आपको लिखाया है, आर एल क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। तो अगर आप इससे निकालें तो आर की वैल्यू क्या है, 3 है, एल की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 4, तो ये 64 हो गया। अपॉन में आर स्क्वायर का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 9, और एल का वर्ग 16। तो फाइनली आपका तुरंत ही आप सीधा आपका आंसर आ जाएगा 192/20। तो ये देखो ये पूरा मेथड था, इसमें इतना टाइम लगा, और अगर आप फार्मूले से निकालते हैं तो ये क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा, जो कि आपके लिए यूजफुल है। चलें, समझ में आ गया होगा, हमने तुरंत क्वेश्चन में भी यूज करके देख लिया फार्मूले को और अच्छा भी लगा बड़ा। चलें अब थर्ड नंबर, भाई कर्सर महाराज कहाँ गए, थर्ड नंबर, और एक पेन चेंज कर दो। थर्ड नंबर क्या है कि एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल निकालना है। यहां पर हम लिख देंगे दोनों दोनों स्पर्श रेखाओं, मध्य कोण, बराबर होगा टेन थीटा। जैसे एंगल हमने थीटा लिया है तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 2RL अपॉन में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है एंगल का फार्मूला। अब एक और ये देखें कि यहां पर अगर जैसे कभी ये पूछ दिया कि इन बिंदुओं से जाने वाले, वृत्त का समीकरण, मतलब परिवृत्त का समीकरण, ये क्या है, ये क्या है आपका, त्रिभुज पी ए बी का परिवृत्त, ठीक है ना। अब अगर ये परिवृत्त होगा, परिवृत्त तो ये हमेशा जो परिवृत्त होता है ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है, पीएबी के जो पीएबी का जो परिवृत्त होगा वो सदैव, त्रिभुज पीएबी का जो परिवृत्त होगा वो सदैव कहां से होकर गुजरेगा, केंद्र से। केंद्र से होकर गुजरेगा तो आप देखें कि ये क्या किसका काम करेगा, सीधा व्यास का काम करेगा, किसका काम करेगा, व्यास का। तो ध्यान से लिख लें यहां, त्रिभुज त्रिभुज पी ए बी के परिवृत्त का, इससे आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, परिवृत्त का समीकरण पूछा था। अगर अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो तुरंत ही आपका आ जाएगा क्या, जैसे ये वृत्त है, यहां पर हमने वृत्त, जैसे सपोज करो मैंने ये केंद्र मान लिए कि वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया, केंद्र माइनस जी और माइनस है,
इसके लिए बताए देते हैं, तो क्या आएगा x माइनस एक्स वन एक्स प्लस जी वाई माइनस वाई वन और वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो। ये आपका वृत्त का समीकरण होगा। यहां पर मैं लिखे देता हूं इसको, केंद्र को मैंने यहां पर कर्सर महाराज कहां हाँ ये है कर्सर मारा, ये जो सी पॉइंट है सेंटर है, ये सीपी यहां पर व्यास का काम करेगा। सीपी क्या है आपका, व्यास का काम करेगा। सो आप डायरेक्ट यहां से परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीजें हम आज अपने लेक्चर में आज सीख चुके हैं, और भी काफी अच्छे पॉइंट्स हैं अभी सर्कल में जिनसे आईटीस में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो जिनको हम आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे आपके सामने। और ये स्पर्श जीवा के ये याद रखें सभी स्टूडेंट, ये फार्मूले जो मैंने आपको आज लिखाए हैं ये नोट में, ये नोट पर आप मोस्ट डाल दें, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं कंपटीशन में, क्योंकि ये ट्रिक है सारी। क्या है, ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स ही हमें यूज करना पड़ती है अगर क्वेश्चंस को हमें टाइमली जल्दी जल्दी अगर हमें सॉल्व करना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस पर से। चलिए एक कंसेप्ट और भी बता देते हैं फटाफट सीधा सा। स्पर्शी युग्म का समीकरण, चलिए जल्दी से बता देते हैं। स्पर्शी युग्म का समीकरण, समीकरण पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये वृत्त है आपका और ये बिंदु P है, और P से हमने वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची, ये P है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो स्पर्शी युग्म का मतलब होता है PA और PB का कंबाइंड इक्वेशन। पीए और पीबी की कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी, ये जैसे पॉइंट पी है आपका एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है चले देखते हैं। एस वृत्त है आपका, वृत्त मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो स्पर्शी युग्म का समीकरण होता है, स्पर्शी युग्म का समीकरण सीधा लिखेंगे हम फटाफट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये चाहे परवलय हो चाहे वृत्त हो, सभी में ही ये सेम रहता है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां मैं बता दूं ये तो एस हो गया आपका जो मैं पहले लिख चुका हूं, एस वन क्या हो जाएगा आपका, ये बिंदु को हम वृत्त में रख देंगे, एस वन होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन और प्लस सी ये, और टी क्या होगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस का जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस का एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा इस पर। तो बस ये वैल्यू यहां पर उठा के रखना है, एस की जगह तो ये वैल्यू रखना है, एस वन की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखना है और टी की जगह ये रखना है और सीधा सॉल्व करना है। तो आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, स्पर्शी युग्म का समीकरण आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चंस कम होते हैं क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन आते हैं इस पर। सो अब आज के लिए इतना ही,
अब हम अपने लेक्चर नंबर 12 में और आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।